तो वैसे अभी हमारे पास एक फोन आया हुआ है रेडमी का, और ये फोन आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार के कंडीशन में है। ये फोन अभी MI लॉक है इसके अंदर, अब ध्यान से देखिए। आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर अभी MI लॉक आपको दिखा रहा होगा, और ये पूरी तरह से MI लॉक है ये फोन। और इसका हम MI अकाउंट अभी हटाएंगे, तो कैसे हटाना है इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले देख लीजिए, आप ध्यान से, ये MI अकाउंट इसमें लगा हुआ है। ये फोन है Redmi Note 6 Pro का, और इसके अंदर Qualcomm CPU लगा है, और Qualcomm CPU है तो आपको जो ideal point है वो आपको इस बैटरी कनेक्टर को जब आप निकालोगे, जब यहाँ से आप बैटरी कनेक्टर निकालेंगे तो ठीक यहाँ पे ये जो आपका पत्ता लगा हुआ है, ये मेन पत्ता, इसके ऊपर में जो ऊपर के जो दो पॉइंट है, रुकिए आपको चिमटे की मदद से दिखाता हूं, ये ध्यान दीजिए, ये जो आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं ऊपर के, ये वाले, ये और ये दोनों ऊपर के दो पॉइंट, ये आपके ideal point है, और इन्हीं को शॉर्ट करके आप इसको केबल कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको गूगल पे जाकर सर्च कर लो, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा इसका आइडियल पॉइंट। फिर भी मैं आपको एक बार दिखाया था, ये देखिए जो चिमटा मैंने दो रखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, यही इसका आइडियल पॉइंट है, ये दोनों चिमटा, ये देखिए वाले, तो इसी को आप कनेक्ट करके और इसको इसका जो भी है करना है। तो ये फोन जो है ये ऑथ फोन है, और क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखिए, मैं अपना UMT खोल रखा हूँ, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट वाला वर्जन है QCFire 8.3 वर्जन, और यहाँ पे जब मैं इसका रीड इन्फो लेता हूँ तो रीड इन्फॉर्मेशन लेने के बाद से देखिए क्या आता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको, जब भी आप इसको अनलॉक कर रहे हैं यहाँ पे इसका जो केबल है, जब आप केबल लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी कनेक्टर निकाले रखना है, क्योंकि बैटरी कनेक्टर के नीचे ये पोर्ट दिया है, तो बिना बैटरी कनेक्टर के ही जो भी होगा ये अनलॉक होगा। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट करके और केबल लगा देता हूँ, तो देखिए फोन कनेक्ट हो गया, पोर्ट बना लिया है, और अभी देखिए आगे क्या आपको रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पे हैंड सेंकिंग का प्रॉब्लम आ गया, बट कोई इस बड़ा इशू नहीं है, ये फोनों में आते रहता है। तो यहाँ पे दोबारा ट्राई करेंगे, ये कई बार क्या होता है पोर्ट अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देखिए इस बार हैंड सेंकिंग ओके हो गया, यानी कि हमारा अच्छे से पोर्ट कनेक्ट हुआ है। बट यहाँ पे एक और एरर आने वाला है जो कि है ऑथ फोन का। तो ये जो फोन रेडमी में बहुत सारे ऐसे फोन होते हैं जो ऑथ फोन होते हैं, उनका ऑथ लगा होता है, जिसको बाईपास करने के लिए UMT में क्रेडिट देना पड़ता है। तो अभी आप देखते हैं कि हमारा फोन में क्या कंडीशन रहता है, अनलॉक होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। तो अभी इसका डाटा प्रिपेयरिंग हो रहा है, और यहाँ पे देखिए तो डाटा प्रिपेयरिंग हो गया, और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा दिया है, इसका मॉडल वगैरह, और यहाँ पे देखिए Redmi Note 6 Pro दिखा रहा है। अभी इसके पहले जब मैंने इसको यहाँ पे चेक किया था तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, ऑथ फोन करके लिख के आ रहा था, यहाँ पे इस जगह पे लिख रहा था ऑथ है ना, पूरा फेल्ड हो गया था। बट अभी देखिए इस बार कुछ नहीं हुआ, तो एक तरह से हैरानी की बात है। अभी हम यहाँ पे ओल्ड मेथड यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये फोन जो है ये पुराना ही है, तो यहाँ पे हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हमारा फोन होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसका पोर्ट को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आइडियल पॉइंट शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे केबल लगा देंगे। यहाँ पे हमारा फोन कनेक्ट हो चुका है, बट यहाँ पे फिर से हैंड शेकिंग का प्रॉब्लम, नहीं आना चाहिए, देखिए नहीं आया। और अभी देखते हैं कि हमारा फोन का MI अकाउंट हटता है कि नहीं हटता है। Redmi Note 6 Pro मॉडल है, आपको बता दूं मैं। अभी आप लोग जितने भी लोग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हूँ लॉकिंग प्रोसेस वगैरह क्या है कैसे है, तो आप लोग को मैंने पूरी तरह से, ये देखिए यहाँ पे रीडिंग डाटा जो है वो एरर फेल दिया है, बट MI अकाउंट देखिए यहाँ पे डन दिखा दिया है। प्रीपेयरिंग डाटा है, इसको भी डन दिखाएगा, इसके बाद से हम इस फोन को चालू करेंगे। तो आप लोगों को, जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि अनलॉकिंग कैसे होता है, क्या होता है, अगर A to Z बिल्कुल नए हैं आप लोग, तो हमारे चैनल पे विजिट करिए, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है जिसमें हमने आपको बताया है। यहाँ पे फातिमा को भी ओके कर दे रहे हैं, जिसमें हमने बताया है कि कैसे क्या करना है, सब कुछ कंप्लीट जानकारी दी है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है कि न्यू फ्रेम नो कैजुअल हैंग ऑन लोगो, मतलब कई सारे ऐसे फ़ोन है जिसमें हैंग ऑन लोगो का प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ऐसा मैसेज आता है, बट ऐसा होता नहीं है, बट कोई किस्मत का क्या कहा जाए, हो भी सकता है। तो चलिए अभी हम इसको चालू करके देखने वाले हैं। तो अभी हमने चार्ज में लगाया, क्योंकि फोन हमारा जो है बिल्कुल चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हमने चार्ज में लगा लिया, और अभी फोन को चालू करते हैं। अभी फोन हमने चालू कर लिया, और देखते हैं अभी हमारा क्या है कंडीशन।
MI अकाउंट हटा है कि नहीं हटा है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ जानेंगे। जब तक ये फोन खुल रहा है, जब तक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन तो ये है कि अगर आप लोग बिल्कुल नए हो अनलॉकिंग में, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि आप अभी नया नया शुरू करना चाहते हो, तो आप लोगों को एक डोंगल ले लेना। अभी के डेट में तो UMT डोंगल से ज्यादा बेटर अनलॉक टूल लग रहा है मुझे, और बहुत आसान है चलाना, इससे ज्यादा आसान है। और थोड़ा सा बस एक चीज का बेनिफिट है इसमें कि आप, अगर नेट है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, अगर आपके पास UMT है तो बिना नेट के भी आप सारे फोनों को अनलॉक कर सकते हो। बट अनलॉक टूल जो है उसमें क्या है, नए नए अपडेट आ रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी अपडेट आ रहे हैं, और थोड़ा सा उसमें अनलॉकिंग का ज्यादा से ज्यादा मॉडल सपोर्टेड है। हालांकि UMT में लगभग आप सभी चीजों को अनलॉक कर लेते हो, बट अनलॉक टूल थोड़ा बहुत बेटर है इससे मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग प्रेफर कर सकते हो तो अनलॉक टूल ले लो, और इसके अलावा आप UMT लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो UMT ले लो, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको बहुत सारी YouTube पे आपको जानकारी मिल जाएगी, सबसे ज्यादा UMT पे मिलेगी, दूसरे नंबर पे अनलॉक टूल है, तो ये चीज इसमें फायदा है। दूसरी चीज की आपको अगर सीखना है UMT तो आपको पूरा कोर्स है, आप UMT का पहले सेटअप जानो कैसे होता है। इसके बाद से आपको पूरी USB ड्राइवर आपको रखनी है अपने, UMT का कोई भी सेटअप आप अगर देखोगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको USB ड्राइवर कैसे डाउनलोड करना है। आपको अनलॉकिंग में सिर्फ दो ही चीज की जरूरत है, एक तो आपको फोन में USB ड्राइवर होना चाहिए, जितने भी मॉडल हैं जैसे MediaTek CPU वाले फोन है, Qualcomm CPU वाले फोन है, तो इन सभी चीजों की। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको ये मेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ, MediaTek CPU, Qualcomm CPU सब क्या है, लेकिन आप धीरे धीरे इस लाइन में घुस गए हो तो आप काम करते जाओ, आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको खुद भी समझ में आने लगेगा कि मैं जो बता रहा था बहुत इजी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस दिमाग में आपका धीरे धीरे घुसते जाएगी बात और आप बिल्कुल समझते जाओगे। तो बस ये चीज प्रोसेस आप देखते जाओ, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। बाकी आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, आप लोग जितना मर्जी जितना चाहो उतना कमेंट कर सकते हो अपने सोल्यूशन से रिलेटेड, जो भी आपको प्रॉब्लम है मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। और आप वीडियो उठा के देख लो, किसी भी कमेंट पे आपको मैंने हर कमेंट पे रिप्लाई दिया है, हर किसी को, जब भी किसी ने कोई सवाल पूछा है तो आप लोग कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है डाउट है मैं आपको बता दूंगा उससे रिलेटेड। और अभी आज के डेट में तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब नए नए ज्वाइनिंग ले रहे हैं, जनरेशन नई नई आ रही है, तो उनके लिए तो ये सब चीजें जरूरी है अवेलेबल होना, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडिया के लोग डेवलप हो पाए। हालांकि हम लोग तो सिर्फ अनलॉकिंग करते हैं, बट आज के टाइम में हमें डेवलपिंग भी करना है, जिससे कि हम खुद का टूल बनाए, जिससे ऐसा होगी, जिससे इंडिया में, अभी देखिए आपको पता होगा अभी मिरेकल बॉक्स का एक वो है टूल आया हुआ है, तो मिरेकल पावर टूल, तो वो इंडिया का है, जो कि अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे मैथिल भाई ने बताया था, कल का शायद उनका वीडियो है, तो ये काफी बेटर लगा मुझे। इंडिया का टूल है तो इंडियन टूल पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंडिया का टूल है तो हमें अपने इंडिया से हमें भी प्यार है, तो हमें उसका सपोर्ट करना है, और सपोर्ट करेंगे जब उनको फंड मिलेगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करेंगे और अच्छा से अच्छा चीज बना पाएंगे। जब हम उन्हें सपोर्ट ही नहीं करेंगे, रिसर्च का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो कैसे हो पाएगा। यही हमारे अंदर कमी होती है। फोन में भी हमारे बहुत सारे ब्रांड आई हमारे इंडिया की, लेकिन हमने उन पर सपोर्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से कंपनियां आगे निकल गई चाइना की, और उनकी फोन पे इम्प्रूवमेंट होते 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 उन्होंने अपने पैसा इन्वेस्ट किया, और आज आप देख सकते हो रिजल्ट। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी टाइम है, हम थोड़ी बहुत अगर अपने तरफ से कोशिश करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने बहुत सारी आपको बकैती सुना दी है, अभी फिलहाल आपको ये फोन देखना है अनलॉकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स ऑफ ही के लिए है, आप लोग कमेंट करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारा फोन खुलने में थोड़ा समय लगेगा, तो जब तक फोन खुलता है तब तक हमको वेट करना है, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा जो फोन है वो खुल चुका है, और काफी समय हमको वेट करना पड़ा, बट हमारा फोन खुल गया। अभी देखते हैं कि हमारा MI अकाउंट हटा है कि नहीं हटा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि MI अकाउंट फिर से लग जाता है, तो ये चीज हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ होता है तब दोबारा तिबारा करिए, कई बार एक बार में नहीं हटता है MI अकाउंट, और मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, मैंने 2-3 बार 4 बार ट्राई करके हटाया है। और अगर बाई चांस अगर ओल्ड मेथड पे बार बार दिक्कत कर रहा था, और न्यू मेथड पे आप ट्राई कर लिए, न्यू मेथड मतलब यहां से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं आप, बाकी ये ओल्ड मेथड से हो जाना चाहिए। बट अगर ऐसा इशू आपके साथ आ रहा है तो आपको ये ट्राई करके जरूर देखना है, 1-2 बार 3 बार 4 बार करिए और अपना प्रोसेस करके, और अगर देख लीजिए कि बाई चांस बार बार दिक्कत कर रहा है तो आपको, अगर कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोसेस पूरा जाता है और आगे तक जाने के बाद से फिर से कुछ देर बाद अनलॉक हो जाता है, तो आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके फटाक से इसको हार्ड रिसेट कर देना है फोन को, तो भी ये प्रॉब्लम आप खत्म कर सकते हो। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे फटाफट से इसका हम सेटिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या आता है हमारा। मुझे नहीं लगता है कि अभी हमारे फोन में कोई दिक्कत है, और यहाँ पे आप भी देख सकते हैं प्रॉपर ये सेटिंग होते जा रहा है।
मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा फिर से दोबारा एमआई अकाउंट नहीं लगा और हमारा फोन अनलॉक हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप देखते रहना चाहते हैं हमेशा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अभी हम थोड़ा देर वेट और कर लेते हैं। पहले ही हमने थैंक्स फॉर वॉचिंग बोल दिया बट अभी फोन खुला ही नहीं, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक आपको हमें वीडियो स्किप यानी कि हटा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, थोड़ी देर देखते हैं कितने देर तक ये लोडिंग लेता है, इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा।